आपने देखा कि हम लोग बात कर रहे थे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। टैक्सोनॉमिकल एड्स में कई सारे ऐसे डिवाइसेज होते हैं जो हमको टैक्सोनॉमी की स्टडी करने में हेल्प करता है, और इसमें सबसे पहला जो हमने बात किया था वो हर्बेरियम के बारे में बात किया था। हर्बेरियम की पूरी इंफॉर्मेशन हमने पिछले क्लास में दिया था, कुछ और भी इंफॉर्मेशन है हर्बेरियम से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कि हर्बेरियम के बारे में बताया गया था कि हर्बेरियम जो होता है सीड पे तैयार किया जाता है, ड्राई और प्रेस फॉर्म में प्लांट के स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है, प्लांट लिविंग नहीं होता, ये बात याद रखेंगे। बॉटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट होता है, लेकिन हर्बेरियम में जो होता है वो ड्राई एंड प्रेस फॉर्म में होता है, ठीक है। जो हर्बेरियम होता है इसको क्विक रेफरल सिस्टम कहा जाता है ना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्विक रेफरल सिस्टम किसको कहते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे क्वेश्चन आता है बना करके कि बीच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड इज क्विक रेफरल सिस्टम, है ना। तो क्विक रेफरेंस के लिए हम लोग हर्बेरियम को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा क्विक रेफरल सिस्टम इज द हर्बेरियम, ठीक है। अब आपको बात यह है कि एक क्वेश्चन है, देखो आप नीट फेज के 2016 में सेकंड फेज में पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन कि द लेवल ऑफ, ये अगर आपने प्रीवियस वीडियो को आपने देखा है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं कि द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, हर्बेरियम के सीड पे कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो आप बताइए। इसमें पिछले वीडियो अगर आपने देखा है तो जरूर आप इसका जवाब दे देंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि हर्बेरियम के सीड पे किसी भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को, जैसे प्लांट में की हाइट को या नंबर ऑफ ब्रांचेस को, ये सब सारी चीज को हम लोग मेंशन नहीं करते हैं। तो इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। क्योंकि जो लेवलिंग होता है ना, यहां क्या लिखा है लेवल, क्या क्या लेवल होता है और क्या क्या लेवल नहीं होता है। तो यहां पे देखिए हमने लिखा है कि हर्बेरियम के सीड पे क्या क्या लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये हर्बेरियम का सीड बनाते हैं, ये हमारा पेज है ना, और यहाँ पे हमने एक प्लांट का को चिपका के किस तरीके से रखा है, ये हमारा हर्बेरियम है। तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन इधर नीचे साइड में, राइट साइड के नीचे वाला कॉर्नर में, नीचे वाला जगह पे, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन जो है वो आप लिखेंगे इसके बारे में। तो क्या लिखेंगे, इसका कलेक्शन किस डेट में किया है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, ठीक है। मान लीजिए आज के डेट में आपने कोई हर्बेरियम को बनाया है, ठीक है, तो कहां से बनाया है, कहां से कलेक्ट किया है ना। तो जिस जगह से आपने कलेक्ट किया है, जिस लोकेशन से कलेक्ट किया है, जैसे मान लीजिए कि अगर छोटा सा कोई तहसील है ना, मान लीजिए कि गुड़गांव से आपने किया है या पुणे है, तो पुणे में अगर कोई छोटा सा तहसील है तो उस तहसील का भी नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट भी साथ में आपको लिख देना है, अगर लोकेशन का नाम लिखने का। इंग्लिश नेम या लोकल नेम, है ना, अगर आप उसका इंग्लिश नेम जानते हो तो उसका इंग्लिश नेम, और लोकल नेम जानते हो तो उसका लोकल नेम, ये दोनों लिखना होता है हर्बेरियम के सीट पे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसका साइंटिफिक नेम लिखते हैं, यानी बॉटेनिकल नॉमिनेचर उसका लिखेंगे, उसका बॉटेनिकल नेम लिखेंगे, वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है और किसने उसको कलेक्ट किया है, उस कलेक्टर्स का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने हर्बेरियम बनाया है तो आपका भी नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, इतनी ही सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा हम इसमें नहीं डालते हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हर्बेरियम के बारे में सारी बात हो गई, प्रीवियस वीडियो में काफी सारे हर्बेरियम के बारे में हम बात कर चुके हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन के बारे में। तो बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट होता है। बोटेनिकल गार्डन आप लोग जाते होंगे, कभी कभी घूमने के लिए भी लोग जाते हैं बोटेनिकल गार्डन में, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आपको बोटेनिकल गार्डन में मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि वो वहां पे बोटेनिकल गार्डन कहीं अपने आप उग जाता है या अपने आप वहां डेवलप कर जाता है कहीं से जर्नेट, वहां पे हम लोग बोटेनिकल गार्डन में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को लगाते हैं, अलग अलग देशों से, अलग अलग लोकेशन से ला करके उसको कलेक्ट करके रखते हैं और उनको फेवरेबल एनवायरमेंट, फेवरेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो टैक्सोनॉमिकल स्टडी में हेल्प कर सके। देखिए यहां पे हमने लिखा है कि बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट का कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर द टैक्सोनॉमिकल स्टडी। अगर आप टैक्सोनॉमिकल स्टडी करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कॉलेजेस में या स्कूल वगैरह में भी छोटे छोटे बोटेनिकल गार्डन बनाए जाते हैं, है ना। तो बोटेनिकल गार्डन में जाओगे तो जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आप बोटेनिकल गार्डन में गए तो यहाँ पे ये कोई प्लांट लगा हुआ है इस तरीके से, तो उस प्लांट के नीचे में आप देखोगे एक नेम प्लेट लगा हुआ रहता है इस तरीके का, ठीक है।
और इस नेम प्लेट पे उसके ऊपर में साइंटिफिक नेम और नीचे उसका लोकल नेम लिखा रहता है और उसके बाद फिर उसका फैमिली लिखा रहता है। और भी काफी, ये तो मतलब बेसिक इतनी है कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है और उसका लोकल नेम क्या है, ये तो लिखना ही है अगर आपने कहीं देखा होगा तो। लेकिन कई सारे बोटेनिकल गार्डन में बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया रहता है, उसका लोकल नेम क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है लेवल में क्या हो सकता है, उसका कॉमन नेम क्या है, उसका बोटेनिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम क्या है, उसकी कौन सी फैमिली है, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी दिया रहता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास में ही एक कॉलेज है ना, तो उस कॉलेज में जब मैं जाता हूँ तो उस पूरे बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन उसका दिया रहता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो मेडिसिनल प्लांट है कि ऑर्नामेंटल प्लांट है, डिफरेंट टाइप के प्लांट होते हैं, है ना। तो लेकिन आपको इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं याद रखना है, ये दो तीन इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे कि ये सब चीजें लेबलिंग होती है, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन के नेम प्लेट पे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें को आपको लेबल करना रहेगा, दो चीज तो मस्ट है, बोटेनिकल नेम और उसका फैमिली, ठीक है, और कॉमन नेम, ये तीन चीजें मस्ट है, ठीक है। कई कई जगह पे बोटेनिकल नेम जैसे मैंगिफेरा इंडिका लिख दिया यहाँ पे और नीचे ब्रैकेट में उसका मैंगो लिख देगा, ठीक है, तो मैंगो का प्लांट है अगर, तो इस तरीके से बोटेनिकल नेम होता है। तो ये बोटेनिकल गार्डन जो होता है, ये ऐसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये सब चीज नहीं आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कुछ पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन है। अच्छा, अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करोगे तो एनसीईआरटी में तीन नाम दिया गया है, ठीक है, तीनों नाम को मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, सम इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन है हमारे पास। तो सबसे पहला जो बोटेनिकल गार्डन है जिसका नाम है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, दिस इज द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन। एक बार क्वेश्चन आया था स्टेट लेवल के पीएमटी में, मैंने देखा था कि सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन, वर्ल्ड लार्जेस्ट बोटेनिकल, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इज द रॉयल बोटेनिकल गार्डन, कहां पड़ता है, क्यू, क्यू कहां है, इंग्लैंड, लंदन में, लंदन में जगह, लंदन का आपने नाम सुना होगा, लंदन इंग्लैंड में, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां है, कौन सा बोटेनिकल गार्डन कहां है, ये ज्यादातर पूछते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिए, दिस इज द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड, ठीक है, समझ में आ गया। तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहां लोकेटेड है, क्यू में, इंग्लैंड, ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा है आपका इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, बहुत अच्छे अच्छे इसमें प्लांट्स आपको दिखाई देंगे, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। आप जाइए वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल आप जान रहे होंगे, बिहार के पीछे साइड में आप जाएंगे तो वेस्ट बंगाल आपको मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल जो है वो कहां है, हावड़ा, ठीक है, हावड़ा पुल देखा ना आपने, हावड़ा, तो हावड़ा में बेस्ट इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है, वहां पे बहुत, वो भी बहुत इंडिया का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कहा जाता है वो, ठीक है। उसके बाद फिर एक है तीसरा जो है वो लखनऊ, उत्तर प्रदेश का राजधानी, जानते हैं आप लोग, तो दैट इज कॉल्ड द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, तो आपको याद रखना है लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश है, इंडिया का एक सबसे बड़ा राज्य है, तो लखनऊ में आपको नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ काफी रिसर्च भी होता है बोटेनिकल एस्पेक्ट्स को लेकर के, प्लांट्स पे काफी लोग रिसर्च भी करते हैं, डिफरेंट प्लांट्स है इसके बारे में यहाँ पे। तो आप कभी भी अगर लखनऊ में रहते हैं तो एक बार इसको घूम करके आइए लखनऊ में कि बोटेनिकल गार्डन कैसा लगता है। और चूंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो मुझे लगता है कि हमें जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन और म्यूजियम, इन सारी जगहों पे जाना जरूरी है, फीलिंग लेना जरूरी है कि हम बायोलॉजी जो पढ़ रहे हैं वो कितना खूबसूरत चीज है, कितना लविंग है, नेचर लविंग हमारा जो सब्जेक्ट है इसको हमें फील करना जरूरी है, ठीक है। और इसको इसलिए, एक तो ये कुछ बातें थी जो हमने बताया बोटेनिकल गार्डन से रिलेटेड। हमने फिर से एक बार बता देता हूँ, टैक्सोनॉमिकल एड में हम हार्बेरियम के बारे में पिछले वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बचा हुआ रह गया। क्विक रेफरल सिस्टम इसको बोलते हैं, इसमें क्या क्या लेबलिंग किया जाता है, तो लेबल में आप देखेंगे डेट, प्लेस, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली एंड जिसने कलेक्ट किया उसका नाम, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, लिविंग प्लांट्स को लेते हैं और उसको एग्रीकल्चर पर्पस से और भी हॉर्टिकल्चर पर्पस से, कई सारे पर्पस से उसकी स्टडी की जाती है, टैक्सोनॉमिकल स्टडी की जाती है, और लिविंग प्लांट होता है, यहाँ तो भाई नॉन लिविंग प्लांट है, यहाँ तो एकदम लिविंग है, जीता जाता पूरा, है ना।
जिसमें कॉमन नेम लिखा जाता है या लोकल नेम लिखते हैं, बोटेनिकल नेम, फैमिली, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन है जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो है वो लंदन में है, क्यू, ठीक है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन हावड़ा, हावड़ा दैट इज वेस्ट बंगाल इंडिया। एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन लखनऊ, ठीक है। तो ये हो गया आपको इंफॉर्मेशन बोटेनिकल गार्डन के बारे में। तो ये दो टैक्सोनॉमिकल एड हमारा खत्म हुआ, अब हम लोग तीसरा टैक्सोनॉमिकल, टैक्सोनॉमिकल की के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद कैटालॉग है, मनो है, मोनोग्राफ है, तो दो तीन टॉप जो एड है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन्वॉल्व करेंगे, सबमिट करेंगे उसको और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। लॉकडाउन में घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।